हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैंने किया था ये मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। जिसका फाइनल लुक था वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बहुत ही नेचुरल लगेगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको कर लोगे। तो कैसे करना है, अगर आप भी करना चाहते हो तो प्लीज़ जाइए उस चैनल पर और देख लीजिए वीडियो को। और इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर ख़त्म हो जाता है, तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। तो आप कैसे करते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उसके बाद मैंने आईब्रो फिल किया था, आई मेकअप किया था, लिपस्टिक लगाया था एंड मेकअप हो गया था कंप्लीट। तो फुल डिटेल वीडियो देखने के लिए जाके चेक कर लीजिएगा वीडियो को, और आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से मेकअप किया था एंड ग्लिटर लगाया, आईलाइनर लगाया, मस्कारा लगाया एंड मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था। आईलेसेस लगा के मेकअप को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको मेकअप? आई होप कि पसंद आया हो। बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही कम प्रोडक्ट में आपको इस तरीके का मेकअप लुक मिल सकता है। उसके बाद मैंने किया था ये आई मेकअप, कैसा लग रहा है आपको? तो कलरफुल आई मेकअप है। हालांकि ये वाला आई मेकअप आप अपने पार्टी वेयर में नहीं कर सकते हो, चाहो तो कर भी सकते हो, थोड़ा सा बोल्ड लुक में जाओगे तो, बट सिंपल लुक ही करते हैं। बट क्रिएटिव करने का कुछ मन कर रहा था तो मैंने इस तरीके किया था। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अभी इसकी वीडियो अपलोड नहीं हुई लेकिन बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। एंड इसको अगर आपको मेरी आइज पे देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, मैं अपनी आइज पे भी ये करके ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए, आज का जो टॉपिक था उससे हमको बिल्कुल भी नहीं भटकना। आज का हमारा जो टॉपिक था वो है पतले हल्के बालों में कैसे बनाएंगे पफ एंड ब्यूटीफुल बन हेयर स्टाइल पार्टी वियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये आई मेकअप तो आपने देख लिया, फुल डिटेल वीडियो अपलोड करूँगी तो देख लीजिएगा। तो ये देखिए, ये है मेरे बाल, देखने में जितने घने लगते हैं उतने ही पतले हैं। एंड अगर आपके बाल पतले हैं, बीच से पफ बनाते टाइम आपका फट जाता है, पफ बीच की मांग निकल जाती है, तो आपको इस तरीके से आईब्रो के आज से थोड़ा सा हेयर को लेना है। और पफ बनाने का बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आप पफ बनाते हो तो आपका पफ बिल्कुल भी नीचे को नहीं सरकेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा एंड कोई भी इसको आराम से बना सकता है। दूसरों का पफ बनाना तो बहुत इजी होता है, बट खुद के बालों में बना लो तो बात बने। तो खुद के बालों में बनाना है अगर आपके बाल बहुत सिल्की है, मेरे तो वैसे रफ से हैं तो पफ बन जाता है बहुत ईजीली। बट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हैं तो पफ बनाने में आपको दिक्कत आता होगा। अब इस तरीके से रबर बैंड लगा के नीचे से थोड़े से बालों को पकड़ के खींचोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक बहुत ही सुंदर सा पफ क्रिएट हो जाएगा, और ये पफ काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होता है, नीचे को नहीं आता है। उसके बाद से थोड़ा सा और इसको अच्छा लुक देने के लिए दोनों ईयर के पास के हेयर को लेंगे एंड रबर बैंड के जस्ट ऊपर ले जाके इस तरीके से यू पिन की बॉबी क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे। आप चाहो तो इस पर रबर बैंड भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से करना है, रबर बैंड को हाइड करते हुए इस तरीके से। देखिए कितना प्यारा पफ लग रहा है आपका। तो आप लोग अब ट्राई करने वाले हो ना, पक्का करना ट्राई, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को ये वाला पफ बनाने का तरीका, पतले हल्के वालों में पफ और पार्टी वियर बन हेयर स्टाइल बहुत ही ईजी तरीके से आप बना लोगे। सबसे अच्छी बात है कि आप सेल्फ बना लोगे। तो इस तरीके से दूसरे हाथ से बालों को होल्ड करना है और बॉबी क्लिप लगा देनी है एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से। क्रॉस करके ओके, जब आप क्लिप को क्रॉस कर देते हो तो क्या होता है कि क्लिप आपकी निकलती नहीं, आपका पफ आपका हेयर स्टाइल नीचे को नहीं जाता है, एक जगह पे टिका रहता है। तो इस तरीके से मैं देखिए कितना सुंदर सा पफ आपने क्रिएट कर लिया है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, हेयर स्टाइल पसंद लग आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब सारे बालों को एक साथ ले लेना है एंड एक रबड़ बैंड से सिक्योर कर लेना है। अब इसमें मैं कोई डोनट बन नहीं लगाऊंगी, कोई क्लचर नहीं लगाऊंगी, फिर भी आपको बहुत अमेजिंग सा हेयर स्टाइल मिलने वाला है। ये देखिए इस तरीके से मैंने रबड़ बैंड लगा दिया है। अब सिंपली दो बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी इस तरीके से, और एक पार्ट को छोड़ देंगे, दूसरे पार्ट को टू पार्ट्स में अगेन डिवाइड करेंगे और आपस में इस तरीके से क्रॉस करते जाएंगे। और क्रॉस करने के बाद क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बालों को खींचेंगे जिससे कि इसमें वॉल्यूम दिखे और हमारा जो बन है वो काफ़ी बड़ा और खूबसूरत दिखे। क्योंकि हमने यहाँ पे डोनट बन, क्लचर, बालों को आर्टिफिशियल पफ कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने ओरिजिनल बालों से हम ये हेयर स्टाइल बना रहे हैं।
तो इस तरीके से खींच खींच के इसको थोड़ा सा हैवी दिखाना है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने रबड़ बैंड के चारों तरफ इस तरीके से लपेटेंगे, बट बहुत टाइट नहीं करना है क्योंकि हमको बन को थोड़ा बड़ा और अच्छा दिखाना है। देखिए इतने में ही काफ़ी प्यारा सा लुक आ गया। अब एक बॉबी क्लिप लेंगे और इस तरीके से सिक्योर कर देंगे। यू पिन भी यूज़ कर सकते हैं और बॉबी क्लिप भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी साइड के हेयर को भी लेंगे और यहाँ पे एक यू पिन और लगा देंगे और काफ़ी प्यारा सा रोज़ फ्लावर की तरह, गुलाब के फूल की तरह यहाँ पे जूड़ा बन के हमको दिखेगा। अब दूसरी साइड का हेयर भी लेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जैसे हमने इस साइड किया था सेम टू सेम आपको दूसरी साइड भी इस तरीके से करना है। ओके, उसके बाद इस वाले साइड को भी इस तरीके से खींचेंगे और थोड़ा हैवी लुक दिखाएंगे। और इसको हमने इस साइड से ले गए थे तो दूसरी साइड को दूसरी साइड से लेके जाएंगे। इस तरीके से और काफ़ी प्यारा सा बड़ा सा बन बन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा रोज फ्लावर की तरह। और खुद से बना लोगे बहुत इजी तरीके से बना लोगे। ब्राइडल बन के लिए भी यूज कर सकते हो, पार्टी के लिए यूज कर सकते हो, वेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो वेडिंग बन हेयर स्टाइल विदाउट कोई भी हेयर डोनट बन वगैरह यूज किए। तो कैसा लग रहा है आपको ये बन हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आ रहा होगा। तो इसे कि थोड़ा थोड़ा खींचेंगे और एक दो यू पिन और लगा लेंगे। तो ये है इस बन का फाइनल लुक। थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर सकते हो फ्लावर वाली यू पिन से, स्टोन से, जितने भी आपको लगे कि डेकोरेट करना चाहिए उससे आप कर सकते हो। बाकी आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा, जूड़ा कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उससे पहले आप इसका फाइनल लुक देख लो और मेकअप की वीडियो ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी तरीके से मैं बताती हूँ आप लोगों को मेकअप। और ये मेरा मेकअप का लुक यहाँ पे मैंने वीडियो छोटा सा क्लिप यहाँ पे ऐड किया था। बहुत ही कम प्रोडक्ट में आप बहुत ही अच्छा सा मेकअप अपने फेस पे कर सकते हो। तो इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड मुझे ऐसी सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।